हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल किसान टेक्निकल गुरु। तो गाइस, आज के वीडियो में आप लोगों को हमारे टाटा स्काई के रिमोट से एलईडी के रिमोट के साथ में कैसे पेयर किया जाता है, तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को टाटा स्काई की जो रिमोट है उसमें बैक बटन के साथ में टू बटन को प्रेस करके रखना है जब तक हमारी बिलिंग ना करे लाइट। तो आप लोगों ने देखा ना, यहाँ पे लाइट ब्लिंक की। अब इसके बाद में हमें क्या प्रोसेस करना होगा, हमें यहाँ पे टीवी बटन को एक बार प्रेस करना होगा। उसके बाद में हमें इस एलईडी के रिमोट के बटन को प्रेस करना होगा कुछ इस तरीके से, तो लाइट ब्लिंक होगी। और ब्लिंक होने के बाद में जैसे हमें इस बटन को और प्रेस करना है, तो इससे पहले हमें इस रिमोट को प्रेस करना होगा टाटा स्काई के। और उसके बाद में हमें जो एलईडी का रिमोट उसके रिमोट के इस प्रेस करना होगा इस तरीके से। अब माइनस को करते हैं इसके प्रेस और इसके माइनस को कुछ इस तरीके से। तो अब कंप्लीट होने के बाद में हमें सेलेक्ट बटन को प्रेस करना होगा और ये हमारा हो गया प्रोसेस कंप्लीट। अब इसे किस तरीके से वर्क करता है, तो एलईडी के सामने इसे ट्राई करके देखते हैं। अब हमारा ये टाटा स्काई का रिमोट, इसे हम प्रेस करते हैं इसके सामने। जैसे इस टीवी के बटन को इसको प्रेस करते हैं इसके सामने, तो हमारी एलईडी ऑफ हो गई। अब इसी टीवी के रिमोट को करते हैं इससे, ये हमारी एलईडी वापस ऑन। तो एक ही रिमोट से हमारे दो काम हो रहे हैं। सेटअप बॉक्स को भी, सेटअप बॉक्स के लिए अलग से ये पावर वाला, ये सेटअप बॉक्स के लिए पावर के अलग से बटन है, और ये टीवी के लिए अलग से। अब सेटअप बॉक्स को बंद करना है तो इससे कर सकते हो इस तरीके से, और इसी से ऑन कर सकते हो। अब एलईडी को बंद करना है तो इससे एलईडी को बंद कर सकते हो इस तरीके से। तो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बस आज के लिए इतना ही।